ये जानू मम्मी के पास और ये मेरे पास आ रहा प्यार करवाने, मेरा बाबू। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कूल चिपस। तो जी आप देख सकते हैं इस टाइम सुबह के बज चुके हैं 7 और ऑलमोस्ट मॉर्निंग वॉक का टाइम है। तो यहाँ सब लोग जो है मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो जी बस आज जो है हरिद्वार में हमारा लास्ट डे है, आज जा रहे हैं वापस दिल्ली। तो मैंने कहा सुबह का टाइम है तो आपको दिखा दूँ कि मैं वॉक के लिए जहाँ आती हूँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ से सच में जाने का मन नहीं कर रहा। एक पूरी दुनिया में एक हरिद्वार ऐसी जगह है जहाँ मैं हमेशा रह सकती हूँ, और सच में बिल्कुल जाने का मन नहीं है। देखिए कितनी ग्रीनरी है, अभी गंगा सूखी हुई है, अदरवाइज़ आपको दिखाती हूँ। साथ में जो है एक और रोड है जहाँ से नहर बहती है और लोग जो है साथ साथ वॉक पर जाते हैं। तो सच में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया यहाँ और पता ही नहीं चला कि एक हफ़्ता कैसे निकल गया, और आज जो है जाने का टाइम आ गया। पर चलिए, एक फ्रेशन अप चाहिए था, वो मिल गया। अब चलें अपनी डेली रूटीन लाइफ में। जस्ट इन फ्यूचर माता रानी की कृपा हुई तो मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना एक पर्सनल घर जो है वो यहाँ हरिद्वार में ज़रूर हो, ताकि कभी भी आना जाना हो तो मैं आराम से आ जा सकूँ, और जो और कोई भी रहना चाहता है उनके लिए भी हो। तो बस जी, चाची का घर बहुत अच्छा है यहाँ पर, और अब चलते हैं। फिर अब आपको मिलवाती हूँ बाकी सबसे भी, बाकी सुबह सुबह इस टाइम घर में सब क्या कर रहे हैं। चलिए जी, घर आ गए वापस, सब नहाते धोते हैं और चलते हैं, बस फिर निकलते हैं अब यहाँ से। जी घर भी ज़रूरी है, जानू की भी याद आ रही है, ईशु आरू की भी याद आ रही है। तो अपनी इस गली का और घर का आप एक देखिए, चले चले चले। तो जी ये 7 के लिए जो है नाश्ते की तैयारी हो रही है, सोनी लगी हुई है और चाची लगी हुई है। सोनी क्या बन रहा है नाश्ते में? नाश्ते में पनीर के पराठे और पालक पनीर। तो जी मेरी फेवरेट जो है, मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है, तो चाची सुबह सुबह उठ के पालक पनीर बना रही है मेरे लिए, और साथ में बन रहे हैं आलू के परांठे। चले भी चाची ने बहुत अच्छे से घुमाया फिराया खिलाया पिलाया, भाभी आपकी कमी महसूस नहीं होने दी। हाय तू भी आ जाती तो मैं 2 दिन तुझे भी खिला देती, बना गंगा नहा लेती मैं तब भी। चल तुम भी जल्दी आना, छुट्टियां पड़ेंगी बच्चों, सारे आरू को लेके आना सारे इकट्ठे होके। तो जी पैकिंग कर रही है चाची साथ में खाने के लिए, और बस जी अब जाने का टाइम हो गया, तो बस अब चलते हैं, और मन नहीं कर रहा जाने का, क्या करें, जाना पड़ेगा नहीं तो अब लंबी छुट्टियां पड़ेगी तो आइयो रहने के लिए। अच्छा जी जाने का टाइम हो गया, मिल ले। अच्छा चाची आना फिर, ठीक है, रोना नहीं है ये क्या, ठीक है फिर आऊंगी, फिर आऊंगी, चलो ठीक है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, फिर आएंगे सब होगा। अच्छा सोनी चाची जो है इमोशनल हो रही है, बस चलो बाय, फिर आएंगे। हंसो चाची एक बारी, हंस के विदा करो, बाय 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 बाय। तो जी बस अब चल रहे हैं, जा रही है हरिद्वार से, फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी, देखो जल्दी आएगी। हाँ फिर आएंगे, ठीक है, आइयो। जैसे ही बस स्टैंड पे आए और बस मिल गई, मेरी मम्मी आराम से बैठे पीछे, सारी सीट्स खाली है। तो चलिए चलते हैं बैक टू दिल्ली। तो आधा रास्ता कवर हो गया हमारा, हाँ जी, और आधा रह गया है ना। तो जी बस देख रहे हैं रास्ते में कहीं बस रुकती है लंच के लिए, तो लंच करेंगे। मेरठ में रुकती है, मेरठ में रुकती है, तो मुजफ्फरपुर तो शायद हम पहुंच गए हैं, है ना, मुजफ्फरनगर है जो भी है। तो बस आप लंच होता है तो रुकते हैं और चाची के बनाए हुए नाश्ते को एंजॉय करेंगे। तो फाइनली हम जो है यहाँ ढाबे पे गाड़ी रुकी है, और जो है अब हम यहाँ अपना लंच वगैरह करेंगे, और व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, हाईवे है साथ में। तो जी बस अब करते हैं फटाफट लंच और फिर यहाँ से निकलेंगे। लस्सी है यहाँ पे, चाय ऑर्डर करिए, 20 रुपीज़ की है, बाकी खाना वगैरह तो चाची ने दिया ही था।
तो बस अब फटाफट अपना लंच करते हैं। तो जी ये मम्मी के लिए गरम गरम चाय, 20 रुपीज़ का कप है ये। और मम्मी जो है खाना निकाल रही है, मम्मी जो है चाची का बनाया हुआ लंच निकाल रही है। अभी दिखाती हूँ मैं चाची ने क्या क्या दिया है। और नाश्ता करते हैं अब हम यहाँ पे, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो जी नाश्ते के लिए चाची ने दिया है पालक पनीर, मम्मी स्पून भी है साथ में मेरी, और पनीर के परांठे मम्मी के लिए विदाउट ऑयल वाले परांठे, अचार है साथ में करेले का। और बस चलिए जी अब हम अपना नाश्ता लेते हैं। पूछ रही थी मैंने कहा बैठ के अपना खाना खा सकते हैं, तो ये बोले हाँ आप खा सकते हो। चाय एक ऑर्डर करिए, मम्मी चाय लेती है, मैं चाय लेती नहीं। चाची बेहतरीन बनाए हैं, बेहतरीन पालक पनीर और परांठे बहुत टेस्टी हैं, बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो ढाबे पे आपको पकोड़े भी मिल जाएंगे 50 रुपीज़ प्लेट। चलिए और दिखाती हूँ क्या क्या है यहाँ पे। हमने तो खैर खाना खा लिया, हम तो घर से लाए हुए थे, आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ और क्या क्या है। सर्दियों का आगाज़ हो गया और मूंगफली ले रही हूँ मैं भी, हो गया आज भी ये कह देना गज्जक और साथ में ब्रेड आमलेट। चलिए जी खाने पीने की शॉपिंग हो गई है, बच के जाने का टाइम हो गया, चलते हैं आप, मम्मी को बुलाती हूँ। चले मम्मी फिर। हाँ जी चलो। हो गई तैयारी? हाँ जी। चलिए जी खा पी लिया हमने, जो थोड़ा बहुत लेना था ले लिया, अब जो है चलते हैं। ठीक है चलिए, हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, अब हम चल रहे हैं। आप देख सकते हो हमने, हम जो बैठे हैं हम 3 सिटिंग वाले पे बैठे हैं और एक के पैसे हमने एक्स्ट्रा दे दिए। हमने कहा हम आराम से बैठ के जाएंगे, कोविड का टाइम है वैसे तो हम 2 लोग हैं, बट हमने पेमेंट 3 सीट्स की करी और आराम से बैठ के जा रहे हैं हम। बस अब घंटा और लगेगा, पहुँच जाएंगे दिल्ली। जी फाइनली कैब में बैठ गए हैं और मम्मी अपना फोन पे लग गई है दिल्ली में आते ही, और बस अब निकल लिए यहाँ से, उतरते बस कैब में। मम्मी 2 मिनट रुक जाओ, बस कैब में बैठते ही अब हम निकल लिए, पहुँच जाएंगे घंटे में घर। चलिए जी घर पहुँच के मिलते हैं जानू के साथ। तो जी जानू मम्मी के पास और ये मेरे पास आ रहा प्यार करवाने, मेरा बाबू है मेरा जाना बेचारा। जाना जानू सोच रहा है किसके पास जाऊं, और रानी चली गई थी हैं, छोड़ भी गई थी रानी, भाग गई थी तो छोड़ गई। अच्छा जाना, जाना रोना नहीं है बच्चे, आ गए हम, आ गए मेरा बेबी, मेरे नोनू बाबू। तो जी बस अब इस टाइम बज गए हैं दिन के 4, और आने के बाद बस आके थोड़ा बहुत हाथ मुंह धोया, खाना वाना खाया, और अब आ रही है नींद, क्योंकि पूरी रात बातें वगैरह करते रहे, सुबह जल्दी उठना था तो सोए भी नहीं। तो जी अब सोऊंगी आराम से, मम्मी तो सो गई है। इस टाइम शाम के बज गए हैं 7, और अभी भी जो है थकावट है, क्योंकि मॉर्निंग से आज सुबह हम 8 बजे निकले थे और यहाँ पहुँचे हैं 3:30 बजे के करीब। बस फिर खाना वाना खाया और अपना सो गए, अब उठे हैं तो मम्मी तो अभी भी सोई हुई है, तो बस अभी भी जो है नींद के झोंके आ रहे हैं और थकावट सी है। अब वहाँ से आए हैं तो थोड़ा बहुत मन भी थोड़ा, आज के दिन तो उदास ही रहता है, वहाँ की याद आती रहती है। तो जी चलिए बस आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल कूल छिब्बर को सब्सक्राइब करिए। तो जी हरिद्वार की सीरीज़ हो गई है एंड, और बैक टू द दिल्ली। अब जो व्लॉग्स हैं वो डेली के घर से ही बनेंगे। तो जी चलिए बाय बाय।